संस्कृत तेरे को भी है ना। वराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई साहब कैसे कैसे अलग अलग टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं। वराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, व्हाट इज क्रेडिट? बेसिकली मनी दैट इज गिवन नाउ विद एन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल बी रिटर्न्ड लेटर एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे हम भाई साहब मनी को देते हैं और उसमें हमको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो रिटर्न मिलता है। ओके, सो वराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज है। देखो, रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन क्लास। ठीक है, दे वेर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्टेड इन देयर एरिया। हु वेर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, हु वेर द पीपल हु एक्चुअली प्रोवाइडेड द क्रेडिट, हु वेर द बोरोअर्स, वॉट वेर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वॉट वेर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेजेस, रीड वॉट दे रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, सो 15th of November 2006, ठीक है, 15th of November 2006, ठीक है, रोहित एंड रंजन हेड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स वुड बी वर्किंग एट द टाइम ऑफ द डे। तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, पहले गए फील्ड्स में। ठीक है, सो दे फर्स्ट वेंट इन टू द फील्ड्स। ठीक है, रोहित एंड रंजन बेसिकली वेंट इन टू द फील्ड जहां पे फार्मर्स लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे फार्मर्स लोग क्रेडिट लेते हैं। देखो, फार्मर्स लोगों का क्या होता है, जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है, जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है तब इनको पैसे बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनका कुछ बिक नहीं रहा है अभी। अभी ये ग्रो कर रहे हैं और ग्रोइंग सीजन में इनका सीड्स का रिक्वायरमेंट रहता है, फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट रहता है, इरिगेशन का रिक्वायरमेंट रहता है, आपके ट्रैक्टर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, प्लाउइंग का रिक्वायरमेंट रहता है, मजदूरों का रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये सारे तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे खर्चा सबसे ज़्यादा होता है इस टाइम पे। ठीक है, सो इसमें पैसा चाहिए होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो गया, हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे इनके पास अनाज भी भरपूर मात्रा में होता है और इनके पास भाई साहब पैसा भी ज़्यादा होता है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द ईयर। तो ये इनका सीजनल होता है भाई साहब, ये आपका एक बता सकते हैं हम सीजनल नो इनकम। ठीक है, ये सीजनल नो इनकम आपका फैक्टर है। द फील्ड्स आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स। ठीक है, श्यामल इज अ फार्मर इन सोनपुर, अ स्मॉल इरिगेटेड विलेज। अभी श्यामल की स्टोरी क्या है, ठीक है, श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन्स फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड। तो भाई साहब फार्मर है तो इसके कल्टीवेशन के टाइम पे इसको लोन चाहिए रहता है। ठीक है, 1.5 एकर का लैंड है जिसमें कल्टीवेशन के लिए, अभी वो अकेला तो भाई साहब कर नहीं सकता, उसको मजदूर लगाने पड़ेंगे, उसको ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, उसको भाई साहब भाड़े पे ट्रैक्टर लेके आके लगाना पड़ेगा, है ना, फिर उसको भाई साहब इरिगेशन के लिए पानी का सप्लाई चाहिए, पानी का सप्लाई चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना पड़ेगा, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, टिल अ फ्यू ईयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। विलेज मनी लेंडर और बैंक से लोन लेने में क्या फर्क है, दोनों में लेना पड़ेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। विलेज मनी लेंडर्स भी भाई साहब आज की तारीख में कोलैटरल लेने लगे हैं, तुम अपना सोना गहना जो भी है वो रखो, या तो खैर यू कोलैटरल का, कोलैटरल एक ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप विलेज में जो मनी लेंडर है उसके पास से पैसा लेंगे और आप कोई कोलैटरल नहीं जमा करेंगे, हो सकता है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोलैटरल रखे, तो दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। हाँ, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। क्यों हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? विलेज मनी लेंडर्स विल जनरली इम्पोज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाई? व्हाई विल दे इम्पोज अ जनरल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि ये लीगल नहीं है, सर्विसिंग नहीं है, मतलब आपका लीगल नहीं है, कोई लिखा पढ़ी, मतलब आप नहीं दे पाया मैं तो क्या कर लोगे, आप क्या करोगे? ठीक है, गुंडे भेजोगे आप मेरे घर में या कुछ फोर्सफुली करने की कोशिश करोगे, बस उससे ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि एक बैंक से लोन लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मामला है। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, अरे ये इंसान कैसा है रे भाई, 20-20 मिनट वो पच्चीस मिनट लेट है तू। हाँ, टिल अ फ्यू ईयर्स बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। मनी लेंडर के पास पैसा बोरो करना मनी जो है, ठीक है, तो मनी लेंडर के पास से अगर आप मनी को बोरो कर रहे हैं, जनरली यू विल गेट मनी एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, फिर अगर आप नहीं दे पाए तो वो और ज्यादा इम्पोज कर देगा। ठीक है,
तो बैंक से ये सब नहीं होता है, लेकिन बैंक में आपकी इतनी सारी फॉर्मेलिटी। देखो विलेजर्स बेसिकली कहाँ जाते हैं, विलेजर्स ज़्यादा करके आपके मनी लेंडर्स के पास जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ दे हैविंग अ बैंक इन देयर एरिया, मोस्ट ऑफ देम वुड प्रीफर टू गो टू अ विलेज मनी लेंडर। व्हाई? क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है, अरे वो मुखिया जी हैं हमारे गांव के, या हमारे मतलब यू नो महाजन जी हैं, वो भाई साहब मनी देते हैं, ये पहले से चला आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, जानते हैं अगर वो भाई साहब जाता है तो गांव में एक दूसरे को सब लोग जानते हैं, कहाँ पे रहता है, कितनी उसकी इनकम है, कितना उसका ज़मीन है, सब कुछ मालूम है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर नोन। अगर आप बैंक में जाते तो बैंक वाले आपको नहीं जानते, आप बैंक वालों को नहीं जानते हैं। तो देयर इन ऑर्डर फॉर द लोन टू बी प्रोसेस्ड यू विल हैव टू प्रोक्योर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और जनरली जो विलेज के लोग होते हैं वो थोड़े से अनपढ़ किस्म के होते हैं, वो थोड़े से पढ़े लिखे कम होते हैं, जिसके वजह से उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। अरे बाप रे, आज ये डॉक्यूमेंट मांगा है, कल वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, परसों वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, यार क्या चल रहा है, परेशान हो जाएंगे वो। ठीक है, फिर उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर साइन करना है क्या। तो देखो जब आपको कहीं पर साइन करने बोला जाता है ना, तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे, जमेगा तो साइन करोगे, नहीं करेगा तो। अगर किसी अनपढ़ इंसान को बोला जाए कि यहाँ पे साइन करो तो पहले डर जाएगा, पता नहीं क्या है भाई साहब, ये तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर उसको लेकर जाएगा किसी और के पास, वो उसको पढ़ के देगा, समझाएगा, उसके बाद वो उस पर साइन करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से विलेजर्स को लगता है कि यार ये परेशानी मामला है। ठीक है, भले ही हमको कम लोन मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस फॉर अस। ठीक है, और ज़्यादा करके ये मनी लेंडर के पास जाते हैं। Till a few years back, he would borrow money from the village money lender, okay? At an interest rate of 5% per month, okay? 60% per annum, okay? 5% per month मतलब कितना हो गया? 5% का ब्याज है हर महीने में, तो पूरे साल में कितना हो जाएगा? 12 into 5, that is 60%. बहुत high rate of interest है, okay? 60% का भाई साहब per annum interest है, okay? For the last few years, Shyamal has been borrowed from an agricultural trader in the village. तो अब कुछ सालों से भाई साहब ये क्या कर रहा है, एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से बोरो कर रहा है पैसे एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ। 3% पर मंथ इज 36% पर ईयर, है ना, 36% पर ईयर लोअर। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स ऑन क्रेडिट। तो ये भाई साहब क्या दे रहे हैं, सीड्स, ठीक है, प्लस आपके जितने भी फार्म इनपुट्स हैं वो सब कुछ क्रेडिट में वो प्रोवाइड कर रहा है इसको। क्रेडिट मतलब बाद में पैसा दे देना, विच इज टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। ठीक है, besides the interest charge on the loan, the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him. ये भाई साहब है problem, ठीक है, कि तुम मुझे यही सारे crops अपने बेचोगे, तो अभी crops जो बेचोगे शायद श्यामल को अच्छा price market में मिल जाए, लेकिन मजबूरन झक मार के उसको इस trader को ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि इस trader से ही उसने crops वैसे पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, okay? This way the trader can ensure that the money is repaid promptly. तो money भाई साहब आ भी जाए, ठीक है। Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit from buying the crop at a low price from the farmers. So, trader ko bhai saab price kya matlab, he is able to buy at a lower price. Jaise harvest ho gaya, patapat bhai saab, kyunki inse ye bandhe hue hain, jab tumhara fasal taiyar ho jayega tum itne mein mere ko crops bech doge, theek hai, okay. And then selling it later when the price has risen. तो ट्रेडर क्या करेगा भाई साहब, अभी क्रॉप्स खरीद लेगा, उनको स्टोर करेगा, और जब प्राइस हाइयर होंगे तब उसको बेचेगा भाई साहब। ठीक है, देन ही विल बेसिकली सेल। ठीक है, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन पे जनरली क्रॉप्स के प्राइस ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सब कोई सेल कर रहा है, मार्केट में ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन क्या है भाई साहब, श्यामलाल इज अ फार्मर, ही हैज गॉट अ लैंड ऑफ 1.5 एकर्स, सोर्स ऑफ लोन क्या है, एग्रीकल्चरल ट्रेडर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है भाई साहब, 3% पर मंथ, दैट इज 36% पर एनम। ठीक है, 36% पर एनम, पर्पस ऑफ लोन फार्मिंग, ओके, कोलैटरल क्रॉप्स, समझ में आ रहा है भाई साहब, आपके जो क्रॉप्स होंगे वो होंगे कोलैटरल, वो आपका भाई साहब आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, कोलैटरल हो जाएगा आपका क्रॉप्स, कोलैटरल क्रॉप्स हो गया मतलब, अगर मैंने तो इस चीज को समझो, अगर मैं इस एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लोन लेने की कोशिश कर रहा हूं और कोलैटरल नहीं दे रहा हूं, तो मुझे इस 36% पे लोन नहीं मिलेगा, मेरे को भी 60-65% पे लोन मिलेगा, समझ में आ रहा है ये। सो दैट इज द कोलैटरल दैट हैज बीन गिवन, ओके। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या टर्म्स हैं, क्रॉप्स टू बी सोल्ड टू द एग्रीकल्चरल ट्रेडर आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन, एग्रीकल्चरल ट्रेडर जिससे श्यामल ने भाई साहब पैसे लिए हैं उसी को क्रॉप्स बेचने होंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आते हैं भाई साहब अरुण, रोहित एंड रंजन मेट अरुण हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। ठीक है,
ओके सो ये गया इनके पास. अरुण है 7 acres ऑफ लैंड, ठीक है. ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टिवेशन. तो इन्होंने भाई साहब बैंक लोन अवेल किया है कल्टिवेशन के लिए, ठीक है. ओके नाउ लेट्स लुक एट हिज स्टोरी. द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% पर एनम एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years. तो अगले 3 साल का समय है. ऐसा नहीं है कि भाई साहब जैसे ही हार्वेस्टिंग होगी तो भाई साहब उसको रीपे करो. ही हैज गॉट 3 years ऑफ टाइम टू रीपे द लोन दैट ही हैज प्रोक्योर्ड, ठीक है. 11 lakh का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 और 3 साल तक लिया हुआ भाई साहब. अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है. ही देन इंटेंड्स टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन अ कोल्ड स्टोरेज. क्योंकि पोटैटोज आपने कभी देखा है, नए आलू और पुराने आलू कभी किचन में जाते हो भाई साहब, थोड़ा बहुत मंडराया करो, ठूसे जा रहे हो भाई साहब, कोई हिसाब ही नहीं है. मतलब थोड़ा देखो ना क्या बन रहा है, क्या पक रहा है और क्यों पक रहा है, ठीक है. नए आलू और पुराने आलू में एक फर्क होता है, ठीक है. नए आलू मतलब जो नया हार्वेस्ट होता है आलू, वो जनरली आप देखोगे थोड़ा सा गंदा दिखता है वो, मतलब थोड़ा सा मॉइस्ट दिखता है वो. अगर आप बाजार में जाओगे नए आलू और पुराने आलू को पहचान पाओगे. कितने लोग जाते हैं बाहर मतलब. ओके सो भाई साहब जो नया आलू होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको मॉइस्ट दिखेगा देखो. और इसको जब आप काट के सब्जी में डालोगे ना तो ये उबलने में टाइम लगेगा, इसको उबलने में टाइम लगेगा. पुराना आलू जो होता है वो मॉइस्चर नहीं होता है उसमें, और इसको भाई साहब उबलने में उतना टाइम नहीं लगता है. इट विल टेक लेसर टाइम टू बॉयल, ठीक है. इट विल टेक लेसर टाइम टू कुक एज वेल, ठीक है. तो बाजार में पुराना आलू ज़्यादा चलता है. पुराना आलू वो होता है जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया हो, जिसको थोड़े बहुत, क्योंकि देखो आलू हमारा मतलब आलू सीजन में कल्टिवेट होता है लेकिन हमको पूरे 12 महीने लगते हैं, मतलब 12 महीने हम उसको यूज़ करते हैं. तो हर सब्जी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में आलू डाला ही जाता है, ठीक है. तो इसीलिए आलू की रिक्वायरमेंट हमको पूरे ईयर रहती है, तो इसीलिए उसको कोल्ड स्टोरेज करना पड़ता है. कोल्ड स्टोरेज वाला आलू और जो नया आलू होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है. ये थोड़ा सा लोअर प्राइस में होता है, ये थोड़ा सा हायर प्राइस में होता है, ठीक है. ओके सो ही देन, लेकिन अगर आप देखोगे आप इसको जब पकाने में आपको गैस ज़्यादा जलाना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट इक्वली हो जाता है. लोग पुराना आलू इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको पकने में बहुत कम टाइम लगता है. नया तो पुराना आलू थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा, ठीक है. नए आलू से थोड़ा सा पुराना आलू कॉस्टली होगा, लेकिन पुराने आलू की डिसएडवांटेज ये कि उसको पकने में टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब गैस, मतलब देखोगे अगर आपको पकाने में जो गैस लगा वो दोनों के प्राइस का इक्वलेंट हो जाएगा. तो इसीलिए लोग पुराना आलू ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कम से कम मेरे रसोई का काम तो जल्दी हो जाए, ठीक है. ओके सो इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में जब अगर आलू को रखेंगे तो उसका कीमत अपने आप बढ़ेगा, ठीक है. सो व्हाट ही हैज डन इज पार्ट ऑफ हिज पोटैटोज ही हैज सोल्ड एंड पार्ट ऑफ इट ही हैज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज के वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है. एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीव. तो कोल्ड स्टोरेज इसका मॉर्गेज हो गया, मतलब कोल्ड स्टोरेज इसका क्या हो गया, कोलैटरल. कोल्ड स्टोरेज में भाई साहब इसका इतना अनाज जमा है, इसकी रिसीट इसको मिल गई है, और इसी कोलैटरल को दिखाते हुए उसने बैंक से और ज्यादा लोन लिए, ठीक है. बैंक से और ज्यादा लोन लिए. द बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम, ठीक है. क्रॉप लोन फ्रॉम देम. तो ऑक्यूपेशन भाई साहब फार्म सुपरवाइजर प्लस फार्मर, ही इज बेसिकली अ फार्म सुपरवाइजर प्लस फार्मर. लैंड कितने का है भाई साहब, 7 acres का लैंड है. सोर्स ऑफ लोन क्या है भाई साहब, आपका बैंक है. इंटरेस्ट कितना है, 8.5% पर एनम है. पर्पस ऑफ लोन क्या है भाई साहब, आपका फार्मिंग है. कोलैटरल रिसीव्ड फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज, ये आपका हो गया कोल्ड स्टोरेज. क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में उसका मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट स्टोर्ड है जिसको वो प्रॉपर टाइम पे बेचेगा, ठीक है. कोल्ड स्टोरेज में उसको रेंट भरना पड़ रहा है लेकिन उसी चीज को वो आगे चलकर बेचेगा, ठीक है. व्हेन ही विल गेट गुड रिटर्न्स फॉर हिज मनी. ओके टर्म्स ऑफ क्रेडिट 8.5% पर एनम पोटैटोज इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है. अगर वो अपना लोन चुकता नहीं कर पाता है तो ये पोटैटोज बैंक वाले ले लेंगे, क्लियर है. दैट इज द कोलैटरल, ठीक है. दैट इज द एग्रीमेंट. तो आप देखो भाई साहब कितना है पर एनम इंटरेस्ट, 8.5%. उधर जब आप मनी लेंडर से ले रहे थे तो कितना आ रहा था भाई साहब, 60% पर एनम. आपने जब भाई साहब ट्रेडर से लेने की कोशिश की तो कितना आया भाई साहब आपका, 36% पर एनम. एंड व्हेन यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द बैंक यू जस्ट हैव टू पे 8.5% पर एनम, ठीक है. सो बैंक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंक का जो प्रोसेस है लोन प्रोक्योर करने का वो थोड़ा सा लंबा और खिंचा हुआ प्रोसेस है. और जनरली गांव के अनपढ़ गवार लोग या जो लोग ज़्यादा कम मतलब कम पढ़े लिखे लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं. उनको लगता है पता नहीं हम लोग क्या उल्लू बना रहे हैं, ठीक है. ऐसा लगता है दे आर मोर इनसिक्योर अबाउट गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स रादर देन फ्रॉम
मनी लेंडर्स और फ्रॉम ट्रेडर्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर पीपल नोन टू देम, ये इनके जाने माने लोग हैं, मतलब ये इनको पहचानते हैं, ये लोग भी इनको पहचानते हैं और ये मनी लेंडर्स भी इनको पहचानते हैं, तो इनको लगता है कि थोड़ा सा सिक्योर है हम, ठीक है, लेकिन इनको ये बड़ा पिक्चर नहीं देखता है कि दी इज जस्ट पेइंग 8.5% पर एनम, ठीक है, 8.5% उसको पर एनम देना पड़ रहा है, यहाँ पे 60% या 36% जैसा अमाउंट उसको देना पड़ रहा है एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। रमा स्टोरी भाई साहब क्या है, रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, ठीक है, शी इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड, ओके, क्या हो रहा है भाई साहब, She works as an agricultural laborer. There are several months in the year when Rama has no work. So obviously, भाई साहब, agriculture जो है, वो seasonal होता है. और अगर कोई agricultural laborer के हिसाब से काम करता है, तो उसको बहुत सारे महीनों में काम नहीं मिलता है. ठीक है? They do not have enough of work and needs credit to meet the daily expenses. इसके पहले आपने देखा credit की requirement क्यों थी? Farming के लिए थी. यहाँ पे credit पे लगता है पैसा to meet daily expenses. घर चलाने के लिए भी उधारी लगती है. ठीक है, तो क्रेडिट इज रिक्वायर्ड हियर फॉर मीटिंग अप ऑफ डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, ठीक है, और फंक्शन इन द फैमिली आर आल्सो मेट थ्रू लोन्स. रमा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर, अ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट. तो ऑब्वियसली भाई साहब ये एक लैंड ओनर है और इनसे भाई साहब पैसा लेते हैं. द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, दैट विल बी हाउ मच, 12.60% पर एनम, ठीक है, 60% पर एनम. So, ये जितने भी मनी लेंडर्स होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये यू नो हमको जानते हैं, एक्चुअली हमारा शोषण करते हैं, ठीक है, एक्चुअली में हमारा शोषण होता है, ठीक है. रमा रिपेज द मनी बाय वर्किंग ऑन द फॉर द लैंड ओनर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड, ठीक है. सो एट प्रेजेंट शी ओव्स द लैंड ओनर ₹5,000, दो द लैंड ओनर डजेंट ट्रीट हर वेल, ठीक है, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम, ठीक है, सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड. रमा टेल्स रोहित एंड रंजन दैट ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर हियर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स. सो सिर्फ और सिर्फ इनसे ही भाई साहब हम पैसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं. तो पैसे कहाँ पे यूज हो रहे हैं, देखो बिजनेस में यूज हो रहे हैं इन फार्मिंग, और पैसे कहाँ पे यूज हो रहे हैं अपने आपके डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी यूज हो रहे हैं, और दोनों में ही भाई साहब क्रेडिट पे पैसे उठाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ओके. सो अगर हम इनका बायोडाटा बनाए भाई साहब, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर लेबरर, लैंड है नहीं, सोर्स ऑफ लोन फ्रॉम लैंड ओनर, इंटरेस्ट 5% पर मंथ, पर्पस ऑफ लोन डेली एक्सपेंसेस, सडन इनलेस, फैमिली फंक्शंस, ये तमाम चीजें, कोलैटरल वर्किंग फॉर द लैंड ओनर. तो भाई साहब इनको जब तक लोन चुकता नहीं होता है बिना पगार पे लैंड ओनर के पास इनको काम करना पड़ेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो बिना पगार पे भाई साहब काम हो रहा है. टर्म्स ऑफ क्रेडिट 60% पर एनम हो गया, प्लस वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, ये हो गया आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट. तो आप देख रहे हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे लोन लिया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे. तो आपने देखा श्यामल, अरुण एंड रमा, दीज आर बेसिकली थ्री केस स्टडीज ऑन ऑन अ सेम लैंड और ऑन द सेम विलेज, ठीक है. अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से क्रेडिट से वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है. क्रेडिट पे पैसा तीनों भी उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत कम पे उठाया है. देखो 8.5% पर एनम पे उठाया है, ठीक है, और ये इसका भाई साहब 60% और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 36%. डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, 36% इज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड प्लस जो क्रॉप्स है वो इसको एग्रीकल्चर ट्रेडर को बेचना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे 8.5% पर एनम है और क्रॉप्स अपनी मर्जी के हिसाब से अपने टाइम पे वो बेच सकता है, ठीक है. यहाँ पे 60% पर एनम है और पूरा जीवन ही उस इंसान के लैंड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है. देयर इज नो अदर वे आउट, और वो उसके लिए एक पैसे का पगार नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कटता ही रहेगा, ओके. सो ये आपके हो गए भाई साहब. सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अदर. तो अलग क्रेडिट अरेंजमेंट भाई साहब ये बहुत वेरी करते हैं, ठीक है. ओके, सो पीपल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू द अदर. तो आप देख रहे हो भाई साहब अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, अलग अलग लोन को अवेल करने के लिए. तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिससे आप बोरो कर रहे हैं उसके कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ओके. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, ठीक है. लेंडर कौन है और बोरोवर कौन है. फॉर एग्जाम्पल
एक ने भाई साहब बैंक से लोन लिया, एक ने अपने लैंड ओनर से लोन लिया और एक ने भाई साहब एक ट्रेडर से लोन लिया। ठीक है, तो ये भाई साहब अलग अलग लेंडर्स हो गए। बोरोवर्स, बोरोवर कौन है? ठीक है, बोरोवर कौन है? एक भाई साहब अपना एक एडुकेटेड इंसान है, एक खेतों में काम करने वाली है और एक भाई साहब एक एक फार्मर है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों ने भाई साहब अलग अलग लोगों से ले। सोर्स ऑफ लोन देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेडर बैंक एंड लैंड ओनर, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द लोन। ठीक है, ऑक्यूपेशन भाई साहब एक फार्मर है, एक फार्म सुपरवाइजर है। अरे यार ठीक है, ओके। कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर द मीडियम फार्मर, द स्मॉल फार्मर एंड द लैंडलेस फार्मर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इन 2012। ठीक है, अगर आप देखोगे भाई साहब 2012, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सोर्सेज क्या है कि भाई साहब फॉर्मल सेक्टर है एक। ठीक है, एग्जाम्पल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ये आपके सोर्स ऑफ लोन्स होते ही हैं। ठीक है, बैंक्स हो गए, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए। देन वी हैव इनफॉर्मल सेक्टर। बैंक्स तो समझ में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब क्या होती हैं? ऑफिसेस नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो लोन देती हैं वो क्या होती हैं? पतपेड़ी सुना है? पतपेड़ी सुना है आपने? ठीक है, तो उस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब कैसा होता है? देखो यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा बिल्डिंग में वीसी होता है, सुना है? किसी किसी बिल्डिंग में वीसी खेलते हैं लोग। ठीक है, मतलब कैसा होता है कि आपका ऐसे लोग, जैसे समझ लो यहाँ पे चार जन है। ठीक है, तो चार जन महीने के 2000 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, महीने के 2000 रुपये जमा करेंगे मतलब 8000 हो गया, तो हर बार एक का नंबर लगता जाएगा। तो अभी समझ लो अमन मिश्रा को ये 8000 मिल जाएगा। हाँ जी सिस्टम, तो वो उसको मिल जाएगा। फिर से जमा हुए, फिर दूसरी बार नंबर उसका लगेगा, फिर तीसरी बार उसका नंबर लगेगा, फिर चौथी बार नंबर उसका लगेगा। तो इससे क्या होता है, एक बड़ा पैसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन उतना 2000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। तो इस तरह से घूमता रहता है। तो दैट इज वन सिस्टम। पथपेढ़ी होती है भाई साहब, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और गवर्नमेंट इनको एनकरेज करती है, क्योंकि ये इन पथपेढ़ियों में या छोटे छोटे सोसाइटियों में लोन जाकर आप अप्रूव करवा सकते हैं। इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम होता है, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे लोन नहीं आता है, बहुत बड़े अमाउंट का लोन यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। मतलब जहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जहाँ पे अगला आपको लोन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जानता है आपको और आप भी अगले को जानते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही, बोरोवर और लेंडर में पहले से ही एक एक मतलब नॉलेजेबल है, दोनों एक दूसरे के बारे में नॉलेजेबल है। ठीक है, ओके। इन ग्राफ यू कैन सी वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया। तो आपका देखो पाई चार्ट है, 1% गवर्नमेंट का है भाई साहब। ठीक है, ओनली 1% अभी तक गवर्नमेंट के लोन्स यूज हो रहे हैं। आपको शायद मालूम भी नहीं हो कि गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स होते हैं। आपने कुछ छोटे छोटे ऐसे दुकान देखे जहाँ पे लिखे रहता है गवर्नमेंट लोन्स ये वो, वहाँ पे जाकर अगर आप गवर्नमेंट के स्कीम्स पढ़ेंगे ना, बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्टार्टअप के लिए स्कीम्स हैं, फार्मर्स के लिए स्कीम्स हैं, लेकिन ज़्यादा करके लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, ज़्यादा करके लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। मुझे एक बार एक प्रपोजल आया था, मुझे नहीं किसी और को आया था, मैंने सुना था, तो दैट पर्सन वॉज माई फ्रेंड। तो उसको प्रपोजल आया था कि गवर्नमेंट के लोन्स अप्रूव कराने में आपको मतलब लाइसेंस दिया जा सकता है, गवर्नमेंट के लोन्स। तो आपके पास लोग आएंगे गवर्नमेंट लोन्स लेने के लिए, गवर्नमेंट जो लोन्स है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग कुछ 6-7 महीने तक होती है, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मंथ्स। मैंने बोला इतना लंबा ट्रेनिंग क्यों? बोला कि भाई साहब ये बहुत बड़ा एक, दिस इज़ बेसिकली गवर्नमेंट लोन्स के लिए बहुत बड़े लंबे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड देन एन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट के इतने सारे लोन्स हैं, गवर्नमेंट हैज़ गॉट सो मेनी लोन्स बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो एक तक का भाई साहब सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ हो रहा है, 1% लैंडलॉर्ड। ठीक है, 33% लोग अभी भी 2012 में, देखो 33% फार्मर्स आर स्टिल गोइंग टू मनी लेंडर्स और यहाँ पे ये डेट ट्रैप में फंसते हैं। ठीक है, 33% पीपल आर स्टिल गोइंग टू मनी लेंडर्स, 25% टू कमर्शियल बैंक, विच इज़ गुड, अभी इम्प्रूव हो रहा है, पहले ये नंबर और भी कम था। और कमर्शियल बैंक में ना जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग ये पेपर वर्क नहीं चाहते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ द पेपर वर्क। ठीक है, ओके।
कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक, ठीक है, 25% गोज टू कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक, जहाँ पे छोटे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे छोटे लोन्स मिलते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से लेते हैं 8%, 5% अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज मतलब कौन हो जाएंगे आपके, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो प्रॉपर बैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी प्रोजेक्ट को इन लोग फाइनेंस करते हैं, ठीक है, कुछ कोलैटरल लेकर। और अदर्स मतलब आपके जैसे ट्रेडर हो गया कोई, उससे ले लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। इन द ग्राफ यू कैन सी वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो अभी तक देखो एक बहुत बड़ा हिस्सा मनी लेंडर से लिया जा रहा है, ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। तो 33% ऑफ द पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ठीक है। 56% ऑफ द क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स इन 2012, ठीक है, 56% ऑफ द। तो आप देखोगे फॉर्मल सेक्टर्स कौन से हैं, ये वाले, दीज आर बेसिकली द फॉर्मल सेक्टर्स, और ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1%, ये 25 और ये 25, और 5% कहाँ से आएगा बच्चा, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज में आ रहा है, ठीक है। 56% ऑफ द क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स इन 2012। द इकोनॉमिक टाइम्स मुंबई 24 अप्रैल 2015, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल, द गवर्नमेंट 2.1%, ठीक है, एम्प्लॉयर या लैंडलॉर्ड अभी भी 0.8% है, एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल मनी लेंडर। प्रोफेशनल मनी लेंडर मतलब क्या हो जाता है, इनको गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है धंधा करने के लिए, ठीक है, लाइसेंस दे देती है धंधा करने के लिए, मतलब ये ऑन डिमांड कोलैटरल आपसे ले सकते हैं। तो जो भी कोलैटरल इन्होंने लिया रहेगा एग्रीमेंट बन जाएगा। जैसे देखो कैसा होता है कि अगर मुझे अपना फ्लैट रेंट पे देना है तो मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा, ठीक है, वो एग्रीमेंट मेरे और मेरा जो टेनेंट होगा मेरे दोनों के दरमियान होगा, है ना। तो इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट भाई साहब एक मतलब दे आर प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि हम कितना भी प्रयास कर लें लोगों का झुकाव ज़्यादा करके मनी लेंडर्स की तरफ है, तो टू प्रोक्योर लोन्स, ठीक है, टू प्रोक्योर लोन्स। 42.9% प्रेफर टू टेक लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, 14.8% टेक फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स अगेन 9.1%, 2.9% आर टेकिंग इट फ्रॉम शॉपकीपर और ट्रेडर्स, ठीक है, अदर्स 1.6%, ठीक है। सो यह इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है। 59.8% ऑफ द क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स इन 2013, ठीक है, तो इतना ट्रेड वाइज फॉर्मल सेक्टर में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या है, मोर क्रेडिट शुड बी अवेलेबल फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स। सो हमको फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। 59.8% ऑफ द क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स इन 2013, ठीक है। अर्बन एरियाज में अगर हम देखते हैं भाई साहब, ठीक है, परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम, हम अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, क्या अर्बन एरियाज में भी इनफॉर्मल सेक्टर हो सकता है, जिनका हो गया वो जा सकते हैं, ठीक है, क्या अर्बन एरियाज में भी इनफॉर्मल सेक्टर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अगर जवेरी बाजार जाएंगे, जवेरी बाजार मतलब जहाँ पे सोने चांदी का काम होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है तो वेस्ट बंगाल से आता है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन, इन लोग सोने चांदी का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, और मतलब तो इन लोग जब पैसा लेते हैं ना, इन लोग बैंक्स में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। तो बैंक में जाएंगे तो भाई साहब उनका कहाँ रहते हैं, उसका एग्रीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये लोग क्या होता है, ये जिस शॉप में काम करें उसी शॉप में सो जाते हैं, तो इनका भाई साहब कोई परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस नहीं है। उधर वेस्ट बंगाल में लोगों को जानते हैं ये, वही लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनको साथ में लेकर आते हैं, ठीक है, तो इनका कोई परमानेंट रेसिडेंशियल प्लेस नहीं है, किसी एग्रीमेंट पर ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी नहीं रहती हैं। तो ये भाई साहब किससे लोन लेते हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मनी लेंडर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि शहर में इनफॉर्मल मनी लेंडर्स नहीं है, तो शहर में भी बहुत बड़े पैमाने पे इनफॉर्मल सेक्टर पे लोन डिस्पर्सल होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इन पुअर हाउस होल्ड, 85% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं शहर में अर्बन एरियाज में, 85% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, वाइल 15% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, जैसे बैंक्स हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। सो 85% ऑफ देयर लोन्स इज फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज, वाइल 15% फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है।
इन हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, ठीक है, जिन ऐसे हाउस होल्ड जहां पे एसेट्स कम है, फ्यू एसेट्स, 53% ऑफ द लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस व्हाइल 47 आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेस, ठीक है, पुअर एसेट्स मतलब इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है. इन वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो अच्छे खासे इनकम वाले हाउस होल्ड हैं, ओनली 28% ऑफ द लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस व्हाइल 72% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेस. तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप फाइनेंशियली और जैसे जैसे आप भाई साहब यू नो बिजनेस सेंस में भी और एकेडमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे, आपका फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा, ठीक है. रिच हाउस होल्ड में, इन रिच हाउस होल्ड ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस व्हाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? A similar pattern is also found in rural areas. The rich household are availing cheap credit from formal lenders. तो rich household जो लोग हैं वो दोनों तरफ का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, वो भाई साहब money तो ले ही रहे हैं और बहुत cheap में formal lenders से ले रहे हैं, because they know, ठीक है, this is the place where I can get money at cheap. हाँ थोड़ा सा documentation ज़्यादा है ना, हाँ थोड़ा सा एक दो बार जाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर भाई साहब 7% की जगह पे मैं 8.5% का ब्याज देता हूँ तो आई इट्स वर्थ द एफर्ट, ठीक है. सो मोस्टली पीपल हु बिलोंग टू रिच हाउसहोल्ड्स विल ऑलवेज प्रिफर टू टेक लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर रादर देन इनफॉर्मल, ठीक है. इनफॉर्मल में कौन जाएगा, इनफॉर्मल में कौन जाएगा और क्यों फॉर्मल में नहीं जाएगा बताओ. आप शहर में रहते हैं, आपको भाई साहब पैसों की जरूरत है, आप इनफॉर्मल को अप्रोच कब करोगे और फॉर्मल को कब? हाँ कोलैटरल, देखो कोलैटरल हर जगह लगेगा, कोलैटरल डिपेंड करता है पैसा कौन दे रहा है. अगर अगर तुम ऐसे किसी के पास जा रहे हो भाई साहब जो तुमको अच्छे से जानता हो तो शायद वो कोलैटरल माफ कर दे, लेकिन कोलैटरल लगभग सभी लोग लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. तो कोलैटरल वुड नॉट बी द इशू, व्हाट वुड बी द इशू? शहरों में डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा. देखो शहरों में क्या होता है ना, समझ लो मुझे बिजनेस चालू करना है, ये समझ लो दिवाली का सीजन आ रहा है, अभी मुझे माल लेना है, ठीक है, मतलब समझ लो मेरे मिठाई की दुकान है और मुझे बहुत बड़े मात्रा में मिठाई प्रोड्यूस करना है दिवाली के टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब मतलब पैसे लोन पे लूंगा. अभी ये जो पैसे मैं लोन पे लूंगा, ठीक है, द मनी दैट आई एम गोइंग टू टेक एज लोन, मुझे अगर लोन बैंक से लेना पड़ेगा वो भाई साहब मेरा चेहरा देखकर नहीं करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, तो बैंक के लोन डिस्पर्सल में टाइम लगता है. पता चला भाई साहब एक हफ्ता दो हफ्ता लग गया, दो हफ्ते बाद जब पैसा मुझे आ रहा है तब तक दिवाली निकल गई, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. व्हेन आई एम इन नीड ऑफ अर्जेंट मनी देन आई वुड कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट पार्ट, ठीक है, बहुत जब मतलब समझ लो मैं पटाखे की दुकान लगाने वाला हूँ, यही किस्सा हो गया, ठीक है, या समझ लो भाई साहब मैं कोई गारमेंट्स का शॉप लगाने वाला हूँ जो फेस्टिव ओकेशंस पे है, ठीक है, और मैं लोन ले रहा हूँ और भाई साहब लोन डिस्पर्सल में मेरा डिले हो गया, जनरली बैंक्स में थोड़ा बहुत डिले होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये वो लेकर काफ़ी सारा डिले हो जाता है, भले ही बैंक्स बोलते हो 24 घंटे में लोन 48 घंटे में लोन, लेकिन थोड़ा बहुत डिले होता है. ऐसे ही उन लोग शक्ल पे किसी को लोन नहीं देते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसीजर होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं वो वाकई में सही हैं कि नहीं, ठीक है, उसका भी वेरिफिकेशन होता है. तो इन सब ऑफिशियल कार्रवाइयों में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो लोग अर्जेंट में रहते हैं उन लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और किसी मनी लेंडर से या किसी भाई साहब उनके जान पर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं, वहां पे जल्दी पैसा मिल जाता है लेकिन हाई रेट पे मिल जाता है, ठीक है, ओके. सो ये एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन होगी. जो लोग रिच हाउस होल्ड होंगे ऑब्वियसली दे वुड बी बिजनेसमैन, ठीक है, एंड दे वुड प्लान इट वेरी वेल, ठीक है, उनको मालूम है भाई साहब दिवाली आने वाली है तो कम से कम अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं 3 महीने पहले से ही लोन अप्लाई करके रखूंगा, दिवाली के टाइम पे भाई साहब बैंक वालों का भी काम बढ़ जाता है, वो मेरा काम पीछे रख देंगे, तो आई विल अप्लाई एटलीस्ट 3 मंथ्स इन एडवांस, ठीक है, और तब तक मेरा लोन भी आ जाएगा और स्मूथली मेरा बिजनेस भी हो जाएगा और प्लस 8.5% के ब्याज पे मुझे लोन भी मिल जाएगा. सो दिस इज प्लानिंग, ठीक है. आप देखोगे जितने भी रिच हाउस होल्ड होंगे, सो देखो यहाँ पे ना ऐसा ही है, आप एज अ स्टूडेंट अगर जो टॉपर होगा ना ये जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब वो पढ़ता कैसे, कितना टाइम पड़ता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट. जो भाई साहब एवरेज स्टूडेंट है उसके बारे में जान के क्या फायदा, उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वॉट एवर एफर्ट्स ही और शी इज पुटिंग इन, इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन और द एफर्ट इटसेल्फ आर नॉट गेटिंग पुट अप.
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मामला है, ठीक है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग रिच हैं उन लोगों का 90% रिक्वायरमेंट फॉर्मल सेक्टर पूरा कर रहा है, इसका मतलब उनका बड़ा प्लान तरीके से चल रहा है, एंड दैट्स द रीजन दे आर गेटिंग रिचर। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई स्कॉलर है स्टूडेंट, तो वो भाई साहब हर रिजल्ट में अच्छा कर रहा है। क्यों अच्छा कर रहा है? बिकॉज ही इज फोकस्ड एंड प्लान्ड इन हिज स्टडीज। तो फोकस तो है ये, प्लस स्टडीज को वो प्लान भी कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, जो लोन है उसको बड़े प्लान तरीके से लिया जा रहा है। यहाँ पे लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल से घाई में है, पैसा नहीं मिल रहा है, चलो भाई साहब 60% पे ले लिया। अभी मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। समझ लो भाई साहब, इसने अगर 100,000 रुपए का लोन लिया होगा तो 3 महीने बाद ये कितना भरेगा? 60% पे 600 रुपए भरेगा, ठीक है। अगर समझ लो इसने 1,000 रुपए के लोन से जो धंधा किया उसमें उसको 1,200 का फायदा हुआ, 1,200 में 600 चले गए, तो कितने का फायदा हुआ भाई साहब? 600 का ही फायदा हुआ ना इसको, है ना? समझ में आ रहा है? 1,000 रुपए का लोन लिया, 1,200 का इसने फायदा किया, तो लेकिन इंटरेस्ट कितना गया भाई साहब आपका? 600 रुपए चला गया, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 का है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें हो जाएंगी, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत 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 बड़ी तरीके से इंपैक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा, 8.5% का इंटरेस्ट है भाई साहब। 1,000 रुपए पे उसको कितना देना पड़ेगा भाई साहब? 1,000 रुपए पे इतना ही देना पड़ेगा, 85 रुपए देने पड़ेंगे उसको, 85 रुपीज देना पड़ेगा। यहाँ पे 1,000 रुपए पे भाई साहब 600 रुपए देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, ये हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हु आर रिचर, देयर मेथड्स आर वेरी प्लान्ड, ठीक है। वो प्लान करके चलते हैं, वो भी लोन उठाते हैं, और वो भी ज्यादा करके लोन कहां से उठा रहे हैं? फॉर्मल लेक्चर। इसीलिए तो वो रिच होते जा रहे हैं, इसीलिए वो रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब उनका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन उनका ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन यहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब 600 मतलब 60% के ब्याज पे आप देंगे क्या, खाएंगे क्या, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ओके। सो दिस डेटा इटसेल्फ रिवील्स, वेयर एज द पुअर हाउसहोल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग। तो ये लार्ज अमाउंट बोरोइंग के लिए भाई साहब देते हैं। वॉट डज दिस ऑल सजेस्ट? कंक्लूजन पहला भाई साहब, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। तो रूरल पीपल में सिर्फ हाफ 50% ही भाई साहब फॉर्मल सेक्टर मीट कर रहा है, ठीक है। 50% इज गेटिंग मेट अप बाय द फॉर्मल पीपल, ठीक है। आपका संस्कृत क्लास चालू हो गया, जाइए।